ध्वज कहते हो मंत्रीवर, इसी से कहा गया है बजे ताली उगल कर, यही नियम सदा से है। बजे ताली उगल कर यही नियम सदा से है। जबकि राजा है प्रजा से, तो ये प्रजा भी राजा से है। क्यों नहीं महाराज, अपने इस राज के अंदर ये अपना बौद्ध राज, कभी भी आपस में कोई बैर नहीं रखता है। सदैव सभी लोग किसी से ईर्ष्या दोष नहीं करते हैं, और ना तो भेदभाव करते हैं, और सभी समान रहते हैं। समतामूलक समाज की स्थापना के अनुसार ही चलते हैं। सच कहते हो मंत्रीवर, ऐसा होना ही चाहिए। हमारी राज के अंदर प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मानव मानव सभी बराबर है। क्यों नहीं महाराज। मंत्रीवर, जो हमारा भतीजा बादल सिंह है, काफी टाइम हो चुका है वो भी दरबार में नहीं आया है। नहीं महाराज। कहो। आपका भतीजा सदैव जब भी स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, तब आपके चरणों को जब तक स्पर्श नहीं करता है तो कभी कॉलेज नहीं जाता है। सच कहते हो। समय आ गया है, आता ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो। बादल सिंह, तुम्हें दरबार में किस लिए बुलाया है तुम्हें मालूम होना चाहिए। देखो बादल सिंह, मनु का जो बनाया हुआ विधान था, जो मनु जी ने विधान को बनाया था, वो खत्म हो चुका है। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान की रचना किया है, उसी के अनुसार हमें और तुम्हें चलना है। जो जिम्मेदारी थी वो खत्म हो चुकी है। देश आजाद हो चुका है, हर इंसान आजाद है। न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा है, सभी इंसान एक समान है। समझते हो बादल सिंह जी। और मंत्रीवर, तुमसे भी कुछ कहना है कि बादल सिंह अभी नादान है, अभी अज्ञान है, लेकिन बादल सिंह को अच्छी प्रकार से समझाने का तुम्हारा भी फर्ज है। क्यों नहीं महाराज। क्योंकि तुम इस राज्य के राज मंत्री हो, तुम्हारा भी अधिकार समझाने का बराबर है। ठीक कहते हो महाराज। अभी तो बादल सिंह अबोध है, अनजान है, इसे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हम तो आपके वफादार। क्यों नहीं, सेनापति है ना। और एक बार और सुनो। और क्या, बादल सिंह जीआरपी, जो गरीब भोला किसान अपनी राज के अंदर रहता है, उसकी गरीबी को देखकर भोला को हमने 500 रुपए कर्जा दिया था। अच्छा। लेकिन भोला की गरीबी को देखकर भोला का सारा कर्जा हमने माफ कर दिया है। अरे तो बहुत अच्छा किया महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन भोला की झोपड़ी तक तुम लोग कर्जा वसूलने नहीं जाओगे। नहीं महाराज, देश है, मगर आपकी इजाजत के बिना कभी हम लोग नहीं जा सकते। हाँ, कभी नहीं जाओगे। और बादल सिंह को भी समझा देना। अरे महाराज, ऐसा गलत कदम मत उठाने देना कि हमारे दिल के ऊपर ठेस पहुंचे। नहीं महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम इसको अच्छा ही रास्ता दिखाएंगे और इसे भली प्रकार से समझा देंगे, क्योंकि ये तो एक इस राज का युवराज है। अगर इसको गलत रास्ता बताएंगे तो फिर ये अपना सारा जो राज है वो बिखर जाएगा। सच कहते हो। बादल सिंह को भली बात समझा देना। हम भली प्रकार से समझा देंगे महाराज, चिंता मत कीजिए। बादल सिंह, चलो आज हमारे साथ टहलने के लिए आइए। साथियों, आप लोगों ने देखा कि जमींदार कुशल सिंह अपने भतीजे बादल
और जीआरपी को समझाते हैं। क्या जीआरपी? बादल सिंह को समझा देना, क्योंकि भारत देश आजाद हो चुका है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान लागू हो चुका है, उसके मुताबिक गरीब भोला किसान को हमने 500 रुपए दिए थे, वो हम माफ करते हैं। आज के बाद उसके वहां कोई कर्जा वसूलने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग देखेंगे रास्ते में गद्दार जीआरपी किस प्रकार से बादल सिंह को बहकाता है और क्या होता है, आप लोग सीन के माध्यम से देखिए। बादल सिंह आइए, देखिए हम तुम्हें अपना प्रिय मित्र मानते हैं, तुम एक युवराज हो और हम यहाँ के सेनापति हैं, इसलिए तुम हमारे मित्र। देखिए वैसे कहने के लिए तो मैं नौकर हूं, लेकिन जो हम तुम्हें रास्ता बताएंगे वो अच्छा ही रास्ता है। मेरी कुछ समझ में नहीं आया है बादल सिंह, आज जो आपके चाचा जी ने कहा है हमारी कुछ समझ में नहीं आता है। उनका कहना है कि मनु का बनाया हुआ विधान समाप्त हो चुका है और नया संविधान जो बना है बाबा साहब का वो सही है। हाँ माना कि सही है, और जो ये किसानों का कर्जा जो है माफ कर देते हैं, वैसे तो भाई यहाँ के राजा हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारी समस्या एक दिन वो बादल सिंह आएगा, हमें लगता है कि शायद आपको ये जो रोड बनी हुई है इस रोड के ऊपर साथ कटोरा लेकर के भीख न मांगना पड़े। सेनापति सीआरपी जी, जरा अपने जवान को थोड़ा हल्के में लाकर बात करिए। शायद आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे चाचा श्री जो भी सोचेंगे हमारे भला के लिए ही सोचेंगे। अच्छा, भला के लिए सोचेंगे, हम जानते हैं तुम्हारे चाचा जी भला के लिए सोचेंगे। क्या कहा है कि मैंने वो अपना जो किसान है उसको 500 रुपए दिए थे वो माफ कर दिया, इसी प्रकार से अगर कर्जा माफ करते रहेंगे किसानों का तो जानते हो ये सारा जो खजाना है सब एक दिन खाली हो जाएगा, और जब खाली हो जाएगा तो तुम काम नहीं कर पाओगे, तुम एक युवराज हो, इसलिए यही तुम्हें कार्य करना होगा, रोड पकड़ना होगा। तुमने सच कहा, अगर इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे चाचा श्री कर रहे हैं उस रास्ते में अगर हम चलेंगे तो हो सकता है एक दिन हमें ये रोड में चलना पड़े, हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगना पड़े, परंतु हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम चाहते हैं यहाँ से फौरन चलो, भोला किसान है उससे जाकर अपना पूरा लगान वसूल करो, अन्यथा उसने नहीं दिया तो उसका ब्याज सुधा वसूल करो। बादल सिंह, अगर वहाँ भोला किसान के यहाँ नहीं चलते हो तो तुम्हारे साथ जेब में पैसे भी तो नहीं होंगे, है कुछ भी नहीं है। अगर परीक्षा लेना चाहते हो तो अपने चाचा जी के पास जाओ, उनसे कह दो हमें 1,000 रुपए चाहिए, मैंने अपने दोस्तों को एक पार्टी रखा है क्योंकि तुम परीक्षा में पास करो। सेनापति सीआरपी जी, हमें ना चाचा श्री के पास जाना है, ना किसी से सलाह, ना किसी से पूछना है, बस हमारा आदेश है फौरन चलो उस भोला किसनवा के पास। अब ये तुम्हारी बात रही, सारा खर्चा उसी से चल जाएगा। 500 रुपए के बजाय जानते हो कितने हम वसूलेंगे? 500 के बजाय 5,000 रुपए। तो चलिए हमारे साथ में और ले चलिए, यहाँ के हम प्रजावासी को देखना चाहते हैं। लेकिन इतना याद रखना भाई, अगर हाथ मिलाओगे तो ऐसा ना हो कभी हाथ छोड़ दो, हम धोखा खा जाए। सेनापति जी अर्पित जी, ये दोस्ती हम नहीं